हाथरस कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर दिल्ली के एक अस्पताल से गिरफ्तार, उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। बाबा सूरजपाल के वकील एपी सिंह का बड़ा दावा, का मुख्य आरोपी आयोजनकर्ता देव प्रकाश मधुकर ने किया सरेंडर। हाथरस बंदर कांड में न्यायिक जांच आयोग की टीम आज सुबह हाथरस पहुंचेगी, दोपहर 2 बजे घटनास्थल का करेगी दौरा। हिमाचल प्रदेश के नाहर में बेकाबू ट्रक ने राह चलते कई लोगों को कुचला, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को लिया हिरासत में। केंद्र सरकार ने नीट नतीजों को रद्द कर दोबारा परीक्षा करवाने की मांग का विरोध किया। एनटीए ने हलफनामा दायर कर दावा किया कि सिर्फ पटना और गोधरा सेंटर में गड़बड़ी मिली है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ने धनबाद से की दूसरी गिरफ्तारी, सीबीआई ने झरिया से बंटी सिंह को किया गिरफ्तार। 11 अगस्त को होगी नीट पीजी की परीक्षा, पेपर लीक मामले के बाद पहली बार होगी परीक्षा। इस परीक्षा में 2,38,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने एफएमजी परीक्षा को लेकर गड़बड़ी करने वालों और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी, छात्रों को अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी। पूर्वोत्तर राज्य असम में लगातार हो रही बारिश, असम के 29 से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित, 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। असम के 29 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ और बारिश से प्रभावित। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा डिब्रूगढ़ जिले के हालातों का जायजा लेते दिखाई दिए। राजस्थान के भरतपुर में धर्मांतरण का मामला आया सामने, बड़ी संख्या में हिंदू विश्व परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, पुलिस ने धर्म परिवर्तन करवाने के मामले से कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कोलकाता के मेयर और टीएमसी नेता फरहाद हकीम का वीडियो शेयर कर साधा निशाना, वीडियो में फरहाद हकीम गैर मुसलमानों को इस्लाम में लाने की बात कहते दिखाई दिए। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता में फिर वापसी, कियर स्टारमर होंगे नए प्रधानमंत्री, ऋषि सुनक ने दिया इस्तीफा। जम्मू के अखनूर में चेनाब नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने लोगों को नदी के पास न जाने की दी सलाह। उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर जमीन खिसकने का ताजा वीडियो आया सामने, अचानक बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ी से हाईवे पर गिरे, हाईवे बंद करवाना पड़ा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में घर में लगी भीषण आग, घर की आग पर पाया गया काबू। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा, कई गांव पानी की बाढ़ से गिरे। मुंबई के पास ठाणे में एक पहाड़ी के पर केकड़ा पकड़ने के दौरान 5 बच्चे फंसे, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने रात का काम किया शुरू। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के पहले हुआ संगीत का कार्यक्रम, बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार संगीत सेरेमनी में हुए शामिल। राजस्थान के बीकानेर में तेज बारिश की वजह से पूरा शहर हुआ जलमग्न, निचले इलाकों में भरा पानी, मौसम विभाग की माने तो 28 mm बारिश दर्ज की गई है। हरियाणा के करनाल में क्राइम ब्रांच ने एएसआई संजीव की हत्या मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है, एसटीएफ ने 3 आरोपियों को उत्तर प्रदेश से किया गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस और हत्या के आरोपी के बीच में हुई मुठभेड़, घायल बदमाश को किया गया गिरफ्तार, आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तमिलनाडु के मदुरई में निर्माणाधीन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ब्लॉक में भीषण आग, आग बुझाने में जुटे हैं दमकल कर्मी। पंजाब के लुधियाना में शिवसेना नेता संदीप थापर पर हुए सरेआम हमले के विरोध में आज बंद की अपील, सीसीटीवी तस्वीरों में दिखाई दिए निहंगों के बीच में आए हमलावर, कांग्रेस बीजेपी और अकाली दल ने हमले की निंदा की। लालू यादव का केंद्र सरकार को लेकर बड़ा बयान, का अगस्त तक केंद्र सरकार गिर सकती है, एनडीए सरकार को बेहद कमजोर बताया।